एक बहुत ही अजीम हदीस मेरे मतला में आई कि मस्जिद से ताल्लुक बशरते के उस मस्जिद में कोई मस्जिद दरार वाली सूरत हाल ना हो तो वो मस्जिद जो मस्जिद नबवी की चमक हैं न के मस्जिद दरार के अंधेरों से उनका तल्लुक हो तो मस्जिद के साथ रिलेशन जो है ये ईमान बचाता है ये इंसान का किरदार महफूज करता है बातिल ये चाहता है कि लोगों को मस्जिद से रोका जाए और वो एजेंडा इस पंद्रहवीं सदी में आज हमारे सामने है मुख्तलिफ तरीक़ों से और तो और रहा हरमैन शरीफन यानी वो खाली पड़े हैं और मेरे आका अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि वो ज़माना कैसा होगा कि जब मदीना मुनवरा की रौनकें ख़त्म करके केलम की रौनकें बढ़ा दी जाएंगी ये मुस्तकबिल की खबरों में बाकायदा हदीस मौजूद है और वो एजेंडा आज हमें नज़र आ रहा एक हदीस नहीं कई अदीस के अंदर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज़ को वाजे किया अब वो हदीस शरीफ के जो इस रमज़ान का और इस इसवान का खसूसी तोहफा है एतकाफ़ के मौजू पर और हमारी जो पूरी तहरीक है तहफ़ मसाजिद तहफ़ जमात तहफुज़ जुमा तहफ़ शार इस्लाम उसके अंदर इस हदीस की रूह मौजूद है मुसंद इमाम अहमद में ये हदीस शरीफ़ है नासिरुद्दीन अलबानी ने भी उसको हसन करार दिया है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं मा तवत्तना तोवत्ता मुस्लिम अल अलमसाजद तवत्तना वतन से है वतन बंदा मुसलमान हो और मस्जिद को अपना वतन बना ले और वतन को मस्जिद बना ले लेरा बर सग़ीर के मुसलमानों ने 20 लाख जाने दी थी पाकिस्तान मस्जिद बनाने के लिए कि वतन भी हो और मस्जिद भी हो मातवत्ता राज मुस्लिम ये मुसलमान की शर्त है साथ कि मुसलमान बंदा हो और मस्जिद में डेरा लगा ले किस काम के लिए लसलाते नमाज के लिए विक्र और जिक्र के लिए अब नमाज पंजगाना जुमा इसके अलावा यानी कसरत से मस्जिद में रहना और फिर सबसे बढ़ के एतिकाफ तवत्ताना का माना एतिकाफ में मुकम्मल हो जाएगा उसने वतन बना लिया है यानी पक्का डेरा लगा लिया है वो वहाँ वाशत महसूस नहीं करता उसे अजनबीयत नहीं लगती इंसान अपने वतन से तभी तौर पर प्यार करता है वो मस्जिद को अपना वतन समझता है तो मेरे आकाश अलैहि वसल्लम इर्शाद फरमाते हैं इल्ला तबश लहू, तबश बाशा अला बशल्लाहु बश बश लहू, अब इस को माने को समझाने के लिए हमारे आका वसल्लम ने आगे मिसाल देकर कर बात अल्लाह की जात की है और वो मकाम वहाँ मोहतात बड़ा है बात करने के लिए कि जो मस्जिद को वतन बना लेता है हो मुसलमान एतकाफ़ की शक्ल में नमाज़ के लिए ज़िक्र के लिए दरस कुरान के लिए या वैसे कसरत से मसीतल बन गया है मस्जिद में बैठा रहता है बाबा जी हाजी साहब ये एक शरफ़ है कि मस्जिद में जिसने मस्जिद को वतन बना लिया उसके लिए क्या है फरमाया अल्लाह ताला उसके लिए तबशबश बश करता है वो क्या होता है फरमाया कमा या तबाश बाशो आहुल गाएबे बे बेगा बेम इज़ा का दि बिला तशबी तमसील किसी का भाई गुम था किसी का बेटा गुम था कई साल हो गए थे पता ही नहीं चलता था कि जिंदा है या मर गया है मिलता ही नहीं था जब वो अचानक आ जाए तो बंदे की खुशी की जो कैफियत होती है इसको तबाश बाशाह कहते हैं तबाश बाशाह के जिस तरह अहलुल गायब यानी जिनका कोई बंदा आ, मिसिंग पर्सन में से है पता ही नहीं चल रहा वो मफकूद है गुमशुदा है और वो बेचारे ना उम्मीद हैं और अचानक वो आ जाए सही सलामत ये नहीं कि उसका डेड बॉडी उसकी आ गई है वो सही सलामत आ जाए किसी का भाई किसी का बेटा किसी बहन का भाई जितनी उसको खुशी होती है और उसके आने पर जो इसकी मुसरत का अंदाज होता है बिला तशबीह व तमसील सरकार फरमाते हैं रब को ऐसी खुशी होती है कि मेरा बंदा मेरी मस्जिद में आ बैठा है तबश बाशा कि रब इतना खुश होता है तो ये फिर कैसी अपोजिशन है और अल्लाह उन पर कितना नाराज है जो लोगों को मस्जिद में आने नहीं दे रहे जो दरवाजे बंद कर रहे हैं जो वहां आए हुओं के लिए वजू का ए जो उसे खत्म कर रहे हैं जो ताक रातों में वहां मुसलमानों को बैठने नहीं दे रहे जो इतकाफ नहीं करने दे रहे तो उन्हें खुद सोचना चाहिए कि वो कितनी नाराजगी जो है वो मूल ले रहे हैं जुल जलाल की, की